आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ई पाठशाला में आप सभी भैया बहनों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज हम हिंदी रचना में अभ्यास 30-31 पढ़ेंगे। प्रसंग तो सीधे अपन अभ्यास पे, अभ्यास 30 का पहला प्रश्न है, प्रसंग किसे कहते हैं? शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते समय शब्द के अंत में जो कारकों की विभक्तियाँ जोड़ी जाती हैं उन्हें प्रसंग कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, प्रसंग कितने होते हैं? प्रसंग जो कारकों की विभक्तियाँ हैं 8, वही प्रसंग हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में कारक नाम और प्रसंग लिखिए। कारक का नाम है कर्ता कारक, इसका प्रसंग होगा ने। कर्म कारक, इसका प्रसंग होगा को। कर्म कारक, इसका प्रसंग होगा से यानी द्वारा। संप्रदान कारक, इसका प्रसंग होगा के लिए। अपादान कारक, इसका प्रसंग होगा से। संबंध कारक, इसका प्रसंग होगा का के की। अधिकरण कारक, इसका प्रसंग होगा मे पर। संबोधन कारक हे या अरे। प्रश्न क्रमांक 5, उचित प्रसंग खाली स्थान पर लिखिए। जैसे कर्ता के आगे ने आएगा, करण के आगे से द्वारा आएगा, अपादान से आएगा, अधिकरण में या पर, करण कर्म का को, संप्रदान के लिए, संबंध का के की, संबोधन हे अरे। प्रश्न क्रमांक 6, प्रसंग के आगे उचित कारक का नाम लिखिए। के लिए संप्रदान कारक मैं या पर, अधिकरण कारक से द्वारा, करण कारक को, कर्म कारक से पृथकतव, अपादान कारक का की के, संबंध कारक और ने कर्ता कारक। अभ्यास 31, इसमें उपयुक्त सोपान में आए कारक प्रसंगों को रेखांकित कीजिए। ये पहला प्रश्न है। तो जैसे उज्जैन का, इसमें का प्रसंग है, प्राचीन नाम अवंती नगरी था। यहाँ छिप्रा नदी के प्रसंग है, किनारे पर संदीपन ऋषि का प्रसंग है, आश्रम था। यहाँ अनेक विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए आते थे, यहाँ के लिए प्रसंग है, मथुरा से कृष्ण और गुजरात से सुदामा। यहाँ से प्रसंग है, वहाँ विद्या पाने के लिए आए थे, के लिए प्रसंग है। बलराम भी गुरुजी से, यहाँ से प्रसंग है, शिक्षा पा रहे थे, एक बार संविधाएँ लाने के लिए प्रसंग है। कृष्ण और सुदामा जंगल में प्रसंग है गए, गुरु माता ने उन्हें खाने के लिए चने दिए। या ने और के लिए प्रसंग है, जंगल में पहुंचकर दोनों आंधी और बरसात में घिर गए। या मैं और दोनों में प्रसंग है, अंधेरा हो गया, मार्ग से भटक गए। यहाँ से प्रसंग है, एक पेड़ के नीचे रात बिताई के प्रसंग है, कृष्ण ने सुदामा से कहा प्रसंग है, हे सखे, यहाँ हे सखे प्रसंग हे, भूख लगी है चने दो ना, पर अब चने थे कहाँ, कृष्ण को भूखा ही रहना पड़ा, यहाँ को प्रसंग है। अब रेखांकित प्रसंगों को नीचे लिखिए। जो हमने अभी रेखांकित प्रसंग किए हैं उनको नीचे लिखना है। तो का के लिए से
मैं, ने, हे और को, ये इस पैराग्राफ में प्रसंग आए हैं। अब इन प्रसंगों का संबंध जिन शब्दों से है उन्हें लिखिए। तो पहला, जैसे उज्जैन का नदी के, संदीपन ऋषि का अध्ययन के लिए मथुरा से, गुजरात से, पाने के लिए गुरुजी से, लाने के लिए जंगल में माता ने, खाने के लिए जंगल में बरसात में मार्ग से, पेड़ के कृष्ण ने, सुदामा से, हे सखे कृष्ण को, ये जो प्रसंग चिन्ह थे अभी मैंने आपको बताए हैं। प्रश्न क्रमांक 4, संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों को निम्नानुसार लिखिए। अब जैसे कर्ता, तो यहाँ इस पैराग्राफ में कृष्ण ने, तो यहाँ कृष्ण आएगा और उसके आगे ने प्रसंग लगेगा। क्रम में दूसरा जो पैराग्राफ है, जैसे दूसरा पैराग्राफ जिसमें कृष्ण को, यहाँ को प्रसंग है, करण है मथुरा से, संप्रदान में खाने के लिए, उपादान में सुदामा से, संबंध में उज्जैन का, और अधिकरण में जंगल में, और संबोधन है हे सखे। ये सर्वनाम पदों के आगे कौन कौन से प्रसंग आएंगे ये हमने पढ़े। धन्यवाद।